मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर सहित अन्य बड़ी बीमारियों की जांच हो पाएगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग में सूक्ष्म तंतु निरीक्षण की सुविधा शुरू हो गई। इस निरीक्षण के माध्यम से मरीज के शरीर का टिश्यू लेकर उसकी बीमारी का पता लगाया जाता है। ऑपरेशन के दौरान अक्सर चिकित्सक मरीज के शरीर से टिश्यू लेकर उसकी बीमारी को जांचने का प्रयास करते हैं। इस बारे जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम पुरी ने बताया कि इससे पहले चंबा में मरीजों के शरीर से टिश्यू लेकर जांच को टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे। इनकी रिपोर्ट भी मरीजों को 2 सप्ताह के बाद ही मिल पाती थी, मगर अब चंबा में ही यह सुविधा शुरू होने से 1 सप्ताह के भीतर मरीज को रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे चिकित्सकों को भी मरीजों की बीमारी का जल्द पता चलेगा। इसके साथ ही मरीज के उपचार करने में भी आसानी मिलेगी। जिले की 6 लाख आबादी उनकी बीमारियों का उपचार करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पर निर्भर है। ऐसे में उपरोक्त सुविधा शुरू होने से जिला के हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। इस निरीक्षण के शुरू होने से टीबी की बीमारी की भी जांच जल्द की जा सकेगी। इससे पहले मेडिकल कॉलेज चंबा से हर माह दर्जनों टिश्यू के नमूने जांच को टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे, मगर अब इन नमूनों की जांच चंबा में ही होगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की PCR लैब में जून माह में 1,351 कोरोना सैंपलों की जांच की गई। वहीं उन्होंने बताया कि चंबा में एड्स के टेस्ट की सुविधा को भी शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही चंबा में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। संक्रमण इसके लिए कि RT-PCR एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये 19 जून से प्रारंभ हो गए थे हमारे यहाँ लैब में, उस दिन से क्रियाशील हो गई थी और आज दिन तक लगभग 1,351 टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 13 जो केसेज हैं वो पॉजिटिव आए थे। और अभी जो लेटेस्ट एक फैमिली आई थी कि जिसमें 4 मेंबर थे, 4 में से 3 का जो फॉलोअप किया गया, अभी 3 जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार के सुझाने से मेडिकल कॉलेज चंबा में ART सेंटर शुरू होने जा रहा है, जिसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम पूरी कर रहे हैं और जल्द ही शिमला से एक टीम आएगी जो कि इसका निरीक्षण करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और हमें उम्मीद है कि ART सेंटर यहाँ जल्द शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो है उन मरीजों के लिए है जिनको हम एड्स के मरीज कहते हैं, एड्स ग्रसित मरीज हैं, उनके लिए ये है कि उनको जो दवाइयाँ अदरवाइज पहले टांडा मेडिकल कॉलेज में जाके लेनी पड़ती थी या अपने टेस्ट करवाने पड़ते थे, तो वो सारी जो सुविधा है वो यहाँ मुहैया हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी से रिपोर्ट्स एग्जामिनेशन जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट पहले जिसमें कि ऑपरेशन करने के बाद या अदरवाइज सुई के साथ हम कुछ अंदर से तंतु निकाला करते थे और जिसको कि हम बड़े माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देख के फिर उसका एक डायग्नोसिस की करते थे, यानी कि हम तंतु के साथ साथ बीमारी किस बीमारी से ग्रसित है उसके बारे में बता पाएंगे। और पहले ये रिपोर्ट हमें 3-4 हफ्ते के बाद मिला करती थी क्योंकि ये टांडा जाया करती थी, अब क्योंकि ये सुविधा यहाँ उपलब्ध हो गई है तो इससे अब ये रिपोर्ट 1 हफ्ते में हमें मिल जाएगी, जिससे कि डॉक्टर को भी आगे इलाज करने के लिए आसानी रहेगी और मरीज को भी इसकी सुविधा मिलेगी। ये सर कब तक शुरू होगी, सर कितना का टाइम लगेगा? नहीं, हिस्टोपैथोलॉजी तो शुरू हो चुकी है, हिस्टोपैथोलॉजी जो फैसिलिटी है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो लगभग 2 हफ्ते हो गई है। सर एड्स वाली मशीन सर कब तक शुरू? एड्स का अब ये है कि शिमला से वो टीम आनी है, उन्होंने अप्रूव करना है, उन्होंने निरीक्षण करना है, हमने स्पेस प्रोवाइड करना था वो हमने कर दिया है, उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है कि हाँ उन्होंने ये चीज़ें देनी है या हमने ये चीज़ें यहाँ पे स्थापित करनी है, तो वो सब चीज़ें जैसे उनका निरीक्षण आएगा उनकी तरफ से हाँ होगी, स्वीकृति होगी और तभी हम उन चीज़ों को यहाँ पे मुहैया करवा पाएंगे।